अब हमारी नंबर सिस्टम की कितनी क्लास हो गई? 7, और 2 क्लासेस और लगेंगी। नंबर सिस्टम के अंतर्गत 5 टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं, यूनिट डिजिट, रिमाइंडर, फैक्टर, डिविजिबिलिटी, विभाजकता। नमस्कार, मैं योगेश आप सभी का टारगेट सीकर पर स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो हम नंबर सिस्टम चैप्टर पर चल रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने कुछ टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे कि यूनिट डिजिट, फैक्टर, रिमाइंडर। हमारी डिविजिबिलिटी की एक क्लास हो चुकी है, आज हमारी सेकंड क्लास है, जिसके अंतर्गत हमने पहली क्लास में कुछ रूल्स पढ़े थे, कुछ नियम पढ़े थे, जिन पर आधारित कुछ प्रश्न किए थे। आज वहां से आगे चलते हैं और अपने आगे के प्रश्न लेते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 1, आपको व्हाइट बोर्ड पर शो कर रहा होगा, राशि 415 स्टार 3 क्या बोल रहा है? 11 से विभाज्य है, तो स्टार की जगह क्या संख्या आएगी? हमारे ऑप्शन क्या है? ऑप्शन हमारे 3, बी ऑप्शन हमारा 7, सी ऑप्शन हमारा 6, डी ऑप्शन क्या है हमारा 5। तो वो क्या बोल रहा है? 11 से विभाज्य है। 11 से विभाज्यता का नियम हमने पढ़ाया है कि विषम स्थानों पर स्थित अंक और सम स्थानों पर स्थित अंकों का योगफल का अंतर यदि 0 है या 11 का गुणज है, तो वो 11 से विभाज्य होगी। तो देखते हैं, यहां विषम स्थान लेते हैं पहले हम, 8, 4, 5 और 3। तो 8 + 4 + 5 + 3 माइनस सम स्थानों पर स्थित अंकों का योगफल। सम स्थानों पर कौन से अंक स्थित हमारे? 3, 1 और ये आपका स्टार। 3 + 1 + स्टार बराबर किसके होना चाहिए? 11 या 0, ठीक है ना? इसे हल कीजिए, 8 + 4 = 12 और 5 = 17 और 3 = 20 माइनस 3 और ये कितने हो गए हमारे? 4 + स्टार = 11। तो यहां से 20 - 4 माइनस अंदर जाएगी तो माइनस के ये स्टार बराबर 11, ये कितने हो गए? 16 माइनस स्टार बराबर 11। स्टार बराबर हमारा क्या आया? 16 उधर जाए, स्टार उधर गया और 11 इधर आएगी, तो 16 माइनस 11 बराबर कितना आया हमारा? 5। स्टार की जगह कौन सा अंक आएगा हमारा? यहाँ कौन सा अंक आएगा हमारा? 5। यही क्या है हमारा आंसर? नोट कीजिए, आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? यदि संख्या हमारी 34,256 स्टार किससे विभाज्य, 256 स्टार और आगे क्या है 5, किससे विभाज्य है? 3 से। ऑप्शन क्या है हमारे? 1 ऑप्शन बी, 3 ऑप्शन सी, 2 ऑप्शन डी क्या है हमारी? 7। यहां देखते हैं हम, ये किससे विभाज्य है हमारी? 3 से, और 3 से विभाजकता का नियम हमने पढ़ाया है कि अंकों का योगफल क्या होना चाहिए? 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो यहां से अंकों का योगफल करते हैं हम, 3 और 4 7 और 2 9 और 5 14 14 और 6 20 और 5 25 + स्टार। अब हम स्टार की जगह क्या रख दें कि हमारा 3 से डिवाइड हो जाए, 3 से विभाज्य हो जाए। तो अगर हम 1 रखते हैं यहां से, तो 25 और 1 = 26, और 3 से हमारा नहीं कटेगा, तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया। अगर हम बी ऑप्शन लें, 3, 25 और 3 कितने हो गए हमारे? 28। ये भी हमारा 3 से नहीं कटेगा, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब देखते हैं हम 2 को, तो 25 और 2 रखते हैं तो 27, तो हमारा ये 3 से कट रहा है। 25 + 2 रखते हैं तो क्या आता है हमारा? 27, और ये हमारा 3 से कट रहा है, तो मतलब हमारा ये सी ऑप्शन सही है। अगर हम डी ऑप्शन देखें, 25 और 7 कितने हो गए? 32, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं कट रहा, तो हमारा आंसर क्या आया? हमारा आंसर आया ये 2। आंसर क्या आया हमारा? ये 2। स्टार की जगह क्या आएगा? 2। यही हमारा आंसर है, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
थर्ड क्वेश्चन हमारा, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि संख्या 14, 613, 613, 43 स्टार 24 से विभाज्य हो तो स्टार की जगह हमारा क्या अंक आएगा, 24 के क्या करते हैं हम, को प्राइम पेयर देखते हैं, को प्राइम पेयर क्या है हमारे सहविभाज्य युग्म 24, 24 से क्या है, 24 के को प्राइम फैक्टर हमारे अगर निकाले तो 3 × 8, मतलब जो हमारी ये संख्या है वो 3 से भी विभाजित होगी और 8 से भी विभाजित होगी, दोनों से विभाजित होगी। इसके ऑप्शन क्या दे रखे हैं हमारे, ऑप्शन दे रखे हैं इसके 3, बी ऑप्शन हमारा 2, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या है हमारा 7 और डी ऑप्शन हमारा 1। अगर हम इसे सॉल्व करें तो मतलब ये संख्या है जो हमारी ये 3 से भी विभाजित होगी और 8 से भी विभाजित होगी, तो 3 से विभाजित का नियम क्या बोलता है, अभी हमने देखा था पिछला क्वेश्चन के अंकों का योगफल 3 से विभाजित होगा तो हमारा 3 से विभाज्य होगी। तो यहां देखते हैं 1 और 4 5 और 6 11 और 1 12 और 3 15 और 4 19, 19 और 3 कितने हो गए हमारे 22 प्लस आगे क्या है स्टार। अब हम 22 में क्या जोड़े कि हमारी 3 से विभाजित हो जाए, अगर 3 जोड़ते हैं 22 और 3 कितने हो जाएंगे 25, तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया, 25 हमारे 3 से विभाजित नहीं होगी। अगर हम 2 रखें यहाँ 22 और 2 24, तो 24 क्या होती है हमारी 3 से विभाजित हो जाती है, तो हमारा क्या आंसर आएगा 2, ऑप्शन हमारा क्या सही हो गया 2। अगर हम सी देखें 7 और 2 29 हो जाएगा, 3 से विभाजित नहीं होगी, और डी देखें एक ऑप्शन लें तो स्टार 22 और 1 कितने हो गए 23, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा गलत ऑप्शन है। अब हमने 3 से तो चेक कर लिया, एक बार 8 से और चेक करते हैं, 8 से विभाजकता का नियम क्या बोलता है कि लास्ट के जो 3 डिजिट है ना वो 8 से विभाज्य होने चाहिए, तो हमारे ये संख्या कि हम 3 डिजिट लेते हैं लास्ट के, 3 डिजिट क्या है हमारे ये, ठीक है ना, 3 डिजिट हम यहां से लेते हैं 4 3 और स्टार, स्टार की जगह क्या रखें हम 2, तो यहां से रखते हैं 4 3 और 2 रखते हैं और इसे डिवाइड करते हैं 8 से, तो कितनी बार जाएगा 8 × 2 = 40, कितने बचे हमारे 3, कितने हो गए 32, 8 × 32, 8 से ये पूरा 54 बार विभाजित हो रहा है, मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारा राइट आंसर है, 2 क्या है हमारा राइट आंसर, नोट कीजिए, समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है हमारा 48 40 स्टार 542, ये 9 से विभाज्य है, ऑप्शन क्या दे रखे हैं इसके, ऑप्शन ए है हमारा 2, ऑप्शन बी है हमारा 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी क्या है 5, ये क्या है 3 से विभाज्य है, ये पूछा है 9 से विभाज्य है, ये जो हमारी संख्या है ये किससे विभाज्य है 9 से, 9 से विभाजकता का नियम क्या देखा है आपने, देखा है हमने पिछली क्लास में कराया है कि अंकों का योगफल 9 से अगर विभाज्य है तो वो हमारी संख्या 9 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार 3 का नियम है, अंकों का योगफल क्या हो 3 से विभाज्य हो, 3 का और 9 का नियम एक सा है, तो 9 का अंकों का योगफल देखते हैं हम, 4 और 8 12 और 4 16 और 6 22 22 और 5 27 27 और 4 कितने हो गए 31 और 2 33, 33 प्लस क्या स्टार। अब हम 33 में क्या जोड़े इन ऑप्शंस में से कि हमारी संख्या 9 से विभाज्य हो जाए, अगर 33 में हम 2 जोड़ते हैं 33 और 2 कितने हो गए 35 35, हमारी 9 से विभाज्य नहीं होगी, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। इसी प्रकार बी ऑप्शन लेते हैं, 1 को जोड़े हम 33 और 1 34 34, भी 9 से विभाज्य नहीं होगी, यही देखते हैं हम 3 33 और 3 जोड़ते हैं तो कितना आता 36, ये क्या है हमारी 9 से विभाज्य होगी, तो हमारा ऑप्शन क्या है ये सी ऑप्शन। अगर हम डी चेक करें 33 और 5 कितने हो गए 38, तो ये भी हमारी 9 से विभाज्य नहीं होगी, तो हमारा आंसर क्या आया 33 + 3 कितना आता है 36, 36 को हम 9 से विभाज्य करते हैं कितनी बार जाता है, ठीक है ना, 4 बार पूरा कट रहा है हमारा, तो हमारा आंसर क्या आएगा नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा पांचवा, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हम,
पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि संख्या 5534 20 से विभाज्य है तो स्टार की जगह क्या आएगा, ऑप्शन क्या है हमारे, ऑप्शन ए हमारा 4, ऑप्शन बी है हमारा 3, ऑप्शन सी हमारा 0, ऑप्शन डी क्या है हमारा 1। वो क्या बोल रहा है, ये 20 से विभाज्य है और 20 से विभाज्य के लिए हम क्या करते हैं, 20 के को प्राइम फैक्टर देखते हैं, तो 20 के को प्राइम फैक्टर क्या है हमारे, 20 के को प्राइम फैक्टर है हमारे 4 × 5, मतलब ये संख्या हमारी 4 से भी विभाजित होनी चाहिए और 5 से भी विभाजित होनी चाहिए। तो 4-5 से विभाजकता का नियम क्या है, जो अंतिम अंक होता है वो क्या होना चाहिए, 0 या 5। तो हम ऑप्शन से चेक करते हैं ये क्या है हमारा अंतिम अंक पे आएगी, अगर 5 से विभाजकता का नियम बोलते हैं क्या कहता है, अंतिम अंक अगर 0 या 5 हो तो भाई ऑप्शन देखते हैं हम, अंतिम अंक क्या है हमारा क्या होना चाहिए, 0 या 5, तो ये 4 नहीं होगा, अंतिम अंक 4 नहीं हो सकता, ना ही 3 होगा, ना ही 1 होगा, तो अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 या 5, 5 ऑप्शन में नहीं 0 है, तो ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। अब इसी प्रकार हम 4 से चेक करते हैं, तो 4 की विभाजकता का नियम बोलता है कि अंतिम के 2 डिजिट हमारे किससे विभाज्य होने चाहिए, 4 से, तो अंतिम के 2 डिजिट लेते हैं हम 4 और स्टार, स्टार की जगह क्या रखते हैं हम 0, 4 और 40 रखते हैं स्टार की जगह, और 4 से विभाजित करते हैं कितनी बार जाएगा ये 4 × 40, ठीक है ना, तो हमारा आंसर क्या है ये 0 राइट आंसर है। समझ आया आपको, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, छठवां क्वेश्चन, छठवा क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या बोल रहा है छठवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से विभाज्य है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कौन सी होती है हमारी, 999। अब वो क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से विभाज्य है, अब 13 से विभाज्य है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हम क्या करते हैं 13 से इसमें भाग देते हैं, और जो भागफल आता है, जो शेषफल आता है उसे हम 999 से घटा देंगे, वही हमारी क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी, तो 13 से भाग दीजिए 999 में, 13 × 65 13 × 78 13 × 7 91, कितने बचे यहां से, 9 में से गया तो 8, यहां फिर 9 उतारते हैं, 13 × 78 2 में से 8 गए तो 1, 8 में से 7 गया तो 1, हमारा शेषफल क्या आया 11 है, जो शेष आता है ना उसे 999 से घटा दीजिए, हमारी संख्या आ जाएगी 9 में से गया तो 8 और 9 में से गया तो 8 और ये क्या है हमारी 988, यही क्या है हमारी वह संख्या है जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से विभाज्य है। समझ आया आपको क्या करना होता है, पहले 999 जो 3 अंकों की बोली है उसमें 13 से डिवाइड कीजिए, भाग दीजिए, जो शेषफल बचे उसे बड़ी संख्या में से घटा दीजिए, वही हमारा आंसर है, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सातवां क्वेश्चन, तीन से साठ के बीच ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य है, 3 और 60 के बीच में हमें जो संख्या वह संख्या लेनी है जो किससे विभाज्य हो, 5 से विभाज्य हो, पर लेनी कौन सी है, विषम संख्या लेनी है जो 5 से विभाज्य हो 3 और 60 के बीच, तो पहली संख्या हम लेते हैं 3 और 60 के बीच में कौन सी आएगी हमारी 5, 5 × 5, फिर 5 × 2 = 10 हमारी विषम संख्या नहीं है, फिर आएगी हमारी 15, 20, 20 नहीं आएगी, उसने बोला है कौन सी संख्या लेनी है हमें, ओनली विषम, 5, 15, 20 नहीं आएगी हमारी, आएगी 25, ना ही 30 आएगी, आएगी 35, फिर क्या आएगी 40 नहीं आएगी 45, फिर 50 नहीं आएगी 55, फिर आगे जाएंगे तो 60, पर 60 क्या बोला है उसने 3 और 60 के बीच, 60 हमें काउंट नहीं करना, तो यहां से हमारी कितनी संख्या निकली है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो टोटल कितनी संख्या है 6,
यही क्या है हमारा आंसर, 3 और 60 के बीच जो 5 से विभाज्य हो, विषम संख्या कितनी है 6, यही हमारा क्या है आंसर, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा 8वां, वो बोला है पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतः विभाज्य हैं, 3 या 4 से पूर्णतः विभाज्य हैं, उसने बोला है। ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन लिखते हैं हम, ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी क्या है हमारी 5, ऑप्शन सी हमारी 58, ऑप्शन डी 85। इस ऑप्शन को आप 51 लिख लीजिए, ठीक है। उसने बोला है कि पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं संख्याओं में से कितनी संख्या 3 या 4 से पूर्णतः विभाज्य है। मान लीजिए ये क्या है हमारा 3 से विभाज्य, और ये क्या है हमारा 4 से विभाज्य, ये 3 से विभाज्य वाला ऑप्शन है डब्बा है 3 से विभाज्य वाला, ये 4 से विभाज्य वाला, और ये क्या है ये दोनों से विभाज्य वाला, दोनों से विभाज्य। अब उसने बोला क्या है 3 या 4 से पूर्णतः विभाज्य हो, ठीक है ना, वो संख्या हमें देखनी है। तो यहां से देखिए, अगर हम 3 से विभाज्य देखें, 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य निकालें, पहली 100 संख्याओं में देखें हम 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य संख्या कितनी आएगी, कितनी होंगी हमारी 33, कितनी आएंगी 33, तो 33 हमारी 3 से विभाज्य निकली। अब देखें हम 4 से विभाज्य, 4 से विभाज्य संख्याएं, तो 4 से विभाज्य देखें पहली 100 में 4 से कितनी विभाज्य संख्याएं होंगी, तो कितनी आएंगी ये 25, तो कितनी आ गई हमारी 25। अब देखें हम इन 3 और 4 दोनों से विभाज्य, तो 3 और 4 दोनों से विभाज्य के लिए क्या करते हैं 3 और 4 का एलसीएम लेते हैं, 3 और 4 का एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया आपका 12। अब देखते हैं 12 से विभाज्य, भाई 3 और 4 दोनों से देखेंगे तो हमको लेना होगा एलसीएम, एलसीएम से विभाज्य देखेंगे तो दोनों से ये विभाजित निकल आएंगी, तो 100 पहली 100 में देखते हैं हम 12 से विभाज्य तो कितनी आती है 12 8 96, पूरा पूरा जा रहा है 8 संख्या हमारी निकल रही है, दोनों संख्या कितनी निकली हमारी 8। अब हम देखना हमें 3 या 4 से, तो 3 या 4 से के लिए क्या करते हैं हम 33 प्लस 25, 3 या 4 से तो ये निकल आई हमारी, पर ये क्या है दोनों से भी विभाजित, इन्हें क्या करते हैं हम घटा देते हैं, तो हमारा आंसर क्या आता है 5 और 3 8, 3 और 2 5 58, 33 और 25 58 हो गए, और -8 करते हैं तो हमारा आंसर आता है 50। यही क्या है हमारा आंसर, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ से, ए ऑप्शन सही है। समझ आया आपको, 3 से विभाज्य निकालते हैं पहले, तो प्रथम 100 में देखते हैं तो 3 से डायरेक्ट डिवाइड कर दो आप, जितनी पूरा पूरा जाए जो भागफल आता है वो ये क्या होता है हमारा 3 से विभाज्य होंगी। इसी प्रकार 4 से विभाज्य देखते हैं, इसी प्रकार दोनों से देखनी है 3 और 4, तो दोनों का एलसीएम लेते हैं हम, पर उससे हम डिवाइड करते हैं तो हमारी वो संख्या निकल आती है, फिर हम यहाँ से 3 से विभाज्य वाली ले लेते हैं और 4 से विभाज्य वाली ले लेते हैं, और दोनों को दोनों से जो विभाज्य है उसे घटा देते हैं, क्योंकि हमें लेनी है 3 या 4 से, हमें दोनों से नहीं लेनी, ना ही 12 से, दोनों के जो एलसीएम है 12 से विभाज्य होगा उससे भी नहीं लेनी, हमें दोनों के ले लेते हैं और दोनों वाली संख्याओं को जो विभाज्य है उसे घटा देते हैं, ये हमारा आंसर आ जाता है, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन 9वां, नौवां क्वेश्चन क्या है हमारा, उसने बोला है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे कि उनका योग 307 से विभाज्य हो। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है हमारी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है वो हमारी होती है, ठीक है ना, 9999। अब बोला क्या है इसमें छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए, छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए
जिससे कि उनका योग 307 से विभाज्य हो। तो इसमें 307 से हम विभाजित करते हैं, भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा 307 इन तीनों में देते हैं पहले हम, कितनी बार गया, तीन बार, 3 × 7 = 21, 0 × 2 = 9, यहां से 9 में से गया तो 8, 9 × 2 = 7, अब 9 उतारी, अब कितनी बार जाएगा, 3 × 2 = 600, 300 × 2 कितनी होगी, 600, 2 बार जाएगा तो 2 × 7 = 14, 2 × 3 = 6, कितने बचे, 9 में से 4 गया तो 5, 8 में से गया तो 7 और 7 में से 6 गया तो 1। अब उसने क्या बोला जाए, तो सवाल द्वारा पढ़ते हैं हम एक बार, उसने बोला चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे कि उनका योग 307 से विभाज्य हो जाए, जोड़ी जाए, उसने बोला है कि जोड़ी जाए, जब जोड़ी जाए बोला, बोले ना जोड़ी जाए, आपको ये ट्रिक देते हैं, अगर वो बोले जोड़ी जाए तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं, इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं, इन दोनों का अंतर कितना आया, 307 में से 175 घटाते हैं, 7 में से 5 गया था 2, 10 में से 3 गए तो 7 गए तो 3, 2 में से गया तो 132 क्या आता है हमारा, वह आंसर आता है। अगर जोड़ी जाए बोले इन दोनों का अंतर, अगर वो बोले घटाई जाए, घटाई जाए बोले तो हमारा सीधा सीधा आंसर जो शेष निकलेगा वो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, समझ आया आपको, जोड़ी जाए बोले तो जो भाजक होगा और जो शेष होगा इन दोनों का अंतर हमारा आंसर होगा, अगर बोले के घटाई जाए, घटाई जाए बोले, घटाई जाए, घटाई जाए तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर शेष होगा, हमारा आंसर शेष होगा, समझ आया आपको, जोड़ी जाए तो इन दोनों का अंतर ले लो और जो घटाई जाए छोटी से छोटी संख्या तो इन जो हमारा शेष होगा वही हमारा आंसर होगा, नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, दसवां, दसवां क्वेश्चन हमारा, उसने बोला है 300 और 1000 के बीच, ठीक है ना, के बीच की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, 300 और 1000 के बीच की कितनी संख्याएं हमारी 7 से विभाज्य हैं, तो हम क्या देखते हैं, पहले निकालते हैं हम 1 से 1000 तक 7 से विभाज्य संख्याएं, 7 से विभाज्य संख्याएं वो कितनी निकली हमारी, डायरेक्ट हम क्या करते हैं, 1 से अगर हम 1000 तक देखेंगे तो डायरेक्ट हम जिससे पूछा है उसी से भाग दे दो, यहां से भाग देते हैं तो कितना आता है, 7 × 7 कितने बचे हमारे, 30 हो गए, 7 × 28 कितने बचे हमारे, 2 कितने हो गए, 20, 7 × 2 = 14, जो पूरा पूरा भागफल आता है वही क्या होती है हमारी, संख्याएं होती है। अब 1 से 1000 तक 7 से विभाज्य संख्या कितनी निकली हमारी, 142। अब हम देखते हैं 1 से 300 तक, 1 से 300 तक 7 से विभाज्य संख्याएं कितनी निकली हमारी, 1 से 300 तक देखना है, अगर 1 से 300 तक बोले तो डायरेक्ट जो लास्ट की संख्या है जहां तक पूछा है उसी में जिससे पूछा है उसी से भाग दे दो, तो यहां से कितनी संख्या निकली हमारी, 7 × 28 कितने बचे, 2 × 7 = 14 कितनी संख्या निकली हमारी, 42। और उसने पूछा क्या है, 300 से 1000 के बीच, ये क्या हमारी 1 से 1000 तक निकली हमारी 142 और ये निकली हमारी 300 तक कितनी निकली, 42। हमें देखना क्या तक है 300 से 1000 तक के बीच में, तो हम क्या करते हैं, जो 1000 तक निकली हमारी उस संख्या में से 142 में से तो स्टार्टिंग की जो 300 है 1 से 300 तक की हम घटा देंगे, कितनी आई हमारी 42, ठीक है ना, घटा देते हैं वो, हमारा आंसर क्या आता है 100। और ये क्या निकली हमारी 300 से 1000 के बीच 7 से विभाज्य संख्याएं, समझ आया आपको, क्या करते हैं 1 से 1000 तक
तक सात से विभाजन संख्या देखेंगे, क्या करते हैं एक हम डायरेक्ट सात से भाग देते हैं, जितनी बार जाता है वही क्या होता है हमारी संख्याएं होती है। और एक से 300 तक निकालें तो डायरेक्ट 300 में भाग दे दो, जिससे पूछा है वही भागफल आए वही हमारी संख्याएं। अब हमें निकालना है 300 से 1000 के बीच में, तो हम 1000 में से पूरी संख्याओं में से स्टार्टिंग की 300 घटा देंगे तो हमारी क्या बचेंगे 300 से 1000 के बीच में, यही हमारी संख्या निकलेंगी। समझ आया आपको? आज आपका ये डिविजिबिलिटी चैप्टर टॉपिक्स आपका यही कंप्लीट होता है। अब हमारे नंबर सिस्टम के अंतर्गत 5 टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं, यूनिट डिजिट, रिमाइंडर, फैक्टर, डिविजिबिलिटी, विभाजकता। अब हमारा एक टॉपिक्स इसमें बचता है नंबर सिस्टम में, लास्ट बचता है हमारा नंबर ऑफ जीरोज, जैसे हम अगली क्लास में लेंगे। अब हमारी नंबर सिस्टम की कितनी क्लास हो गई? 7, और 2 क्लासेस और लगेंगी जिसमें नंबर ऑफ जीरोज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर से आगे हम कोई नेक्स्ट नया चैप्टर लेंगे। इसी चैनल पर हमारी अन्य क्लासेस भी चल रही हैं, हिंदी की भी चल रही हैं, रीजनिंग की खुद मैं पढ़ा रहा हूँ, हिंदी विमल सर पढ़ा रहे हैं, आप उन्हें भी लेते रहिए प्ले लिस्ट के माध्यम से, विभिन्न परीक्षाओं में डायरेक्ट आपसे सीधे सीधे इन्हीं कॉन्सेप्ट पर प्रश्न बनते हैं, आपको जरूर फायदा होगा। तो तब तक हमारे साथ बने रहिए, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।